ज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञान अञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भक्ति जो है, कृष्ण भक्ति जो है, डिटर्मिनेशन और दृढ़ता का खेल है। तो भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्लोक बोलते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्तश्च च माम भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। भगवान बोलते हैं, ऑलवेज चैंटिंग माई ग्लोरीज एंडेवरिंग विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन बोइंग डाउन बिफोर मी दीज ग्रेट सोल्स परपचुअली वर्शिप मी विथ डिवोशन। तो भगवान खुद ये बोलते हैं कि भगवान की भक्ति में सफल वो लोग हो पाते हैं जो सततम यानी निरंतर लगातार भगवान के गुणगान करने में, भगवान के गुणगान को सुनने में निरंतर लगे रहते हैं और भगवान को प्रणाम करने में, भगवान का भजन करने में बहुत दृढ़ता से भजन करते हैं। भजन में सफलता मिलती है डिटर्मिनेशन से, दृढ़ता से। अगर भजन में डिटर्मिनेशन नहीं है, अगर दृढ़ता नहीं है, तो भजन में हमको शक्ति नहीं मिल पाई, हमारी भक्ति में आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ पाई। क्योंकि भक्ति में सफलता के लिए डिटर्मिनेशन होना, दृढ़ प्रतिज्ञ होना बहुत आवश्यक है। इवन भक्ति में क्या, किसी भी काम में अगर आप भौतिक जगत में जाएं और कोई भी व्यवसाय करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, कोई आपका लक्ष्य, आपको गोल पाना है, गोल की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन डिटर्मिनेशन इंटेलिजेंस के साथ होना चाहिए। इंटेलिजेंस का मतलब होता है हायर इंटेलिजेंस। हायर इंटेलिजेंस का मतलब होता है सुपीरियर इंटेलिजेंस। सुपीरियर इंटेलिजेंस का मतलब होता है वो इंटेलिजेंस जो साधु गुरु और शास्त्र से आ रहा है। वो इंटेलिजेंस के साथ जब दृढ़ता के साथ भजन किया जाता है, तब भजन में सफलता मिलती है, तब हृदय में उत्साह आता है, तब भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, तब भगवान के प्रति प्राप्ति होती है। तो भक्ति करने के लिए डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना बहुशाखा अनंताश बुद्धयो अवसायिना। जो भक्ति के पथ पर सदा फोकस रहते हैं, इनका लक्ष्य एक होता है और दृढ़तापूर्वक भजन में लगे रहते हैं, वही भगवान की प्राप्ति कर पाते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि बहुत शाखा में विभक्त रहती है, थोड़ा ये भी कर लूँ, थोड़ा वो भी कर लूँ, थोड़ा बिजनेस भी कर लूँ, थोड़ी भक्ति भी कर लूँ, ज्ञान भी ले लूँ, योगा भी कर लूँ, आसन भी कर लूँ, ऐसे लोग भजन में दृढ़ता नहीं ला पाते हैं। तो भक्ति में, भक्ति में अगर शक्ति चाहिए तो डिटर्मिनेशन की सख्त आवश्यकता होती है। बहुत ज़रूरी होता है डिटर्मिनेशन। तो अभी कैसे समझेंगे कि मेरे अंदर डिटर्मिनेशन है या किसी भक्त के अंदर डिटर्मिनेशन है? क्या लक्षण होगा जिससे पता चलेगा कि वो साधक, वो भक्त या मैं दृढ़ता के साथ भजन कर रहा हूँ? देखिए, भक्ति में हर भक्त की, भक्ति में भक्त की पहचान उसके लक्षणों से होती है, ना कि कपड़ों से, ना उसके बाकी उसकी बात करने के तरीके से। लक्षण होने चाहिए। तो जिस व्यक्ति में डिटर्मिनेशन होता है, लक्षण होता है, तो भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवद गीता के, कि वो व्यक्ति के अंदर ही इज हैव एबिलिटी टू टॉलरेट द ऑनस्लॉट्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस। वो जो भक्त होता है जिसके अंदर डिटर्मिनेशन होता है, उसके अंदर सहनशीलता बहुत होती है। सहनशीलता का तात्पर्य वो सुख में और दुख में दोनों को सह लेता है, मान अपमान दोनों सह लेता है, प्रशंसा निंदा सह लेता है, हानि लाभ सह लेता है। तो उसके अंदर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। हर चीज़ को वो कम्फर्टेबली हंसते खाते सह लेगा, यह सोच के कि यह भगवान की कृपा है, ये भगवान का प्रसाद है मेरे लिए। देखिए, जब भक्ति में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया प्रसाद मिल रहा है, सारा भक्तों का संग अच्छा है, हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारे इशारे पर नाच रहे हैं, हमारे आर्डर पर चल रहे हैं, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, अच्छे लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं, तारीफ भी आ रही, तो भक्ति करना बड़ा आसान है। वो भक्ति कोई बहुत कठिन काम नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। भक्ति में जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, तब भजन करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन दृढ़ता की पहचान, भजन की पहचान होती है प्रतिकूल परिस्थितियों में। जब विषम परिस्थितियाँ हों, हर जगह से कष्ट आ रहा है, तकलीफ आ रही है, लोग बार निंदा कर रहे हैं, जब भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, सबके सामने झूठे झूठे ये कह सकते हैं ब्लेम लगाया जा रहा है, झूठा दोष लगाया जा रहा है, साजिश रची जा रही है, किस तरह से व्यक्ति भजन नहीं करे, किसी उसकी टांग खींची जाए। तो एक तो अपने शरीर से कष्ट आ रहे हैं,
मन कष्ट दे रहा है, शरीर से तरह तरह के रोग निकल रहे हैं, दूसरे जीव हैं, दूसरे हमारे आसपास के लोग हैं वो कष्ट हमको दे रहे हैं, और देवी कष्ट आ रहे हैं ऊपर से, ठंड बहुत तेज पड़ रही है, गर्मी बहुत तेज हो रही है, तो तीनों कष्ट एक साथ आ रहे हैं, त्रिविध ताप बोलते हैं उसको। उस परिस्थिति में भी जो भजन में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है, जो उनको सहन करता हुआ अपने भजन में लगा रहता है, वो व्यक्ति दृढ़ होता है। उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, कि दिस डिवोटी हैज़ ए क्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेशन। तो भक्ति में भक्ति कर, अगर सफलता प्राप्त करना है, भजन में शक्ति चाहिए, भगवान से प्रेम उत्पन्न करना है, भगवान के प्रति आकर्षण डेवलप करना है, भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर करना है, तो डिटर्मिनेशन हुआ अत्यधिक आवश्यक है। और दृढ़ता की पहचान या डिटर्मिनेशन की पहचान या हमारी क्या है कि भक्ति में कितनी शक्ति है, हमने इतना नाम जप किया इतने सालों से, खूब सारा शास्त्र पढ़े, उनका अध्ययन कर लिया, खूब प्रसाद खाया, खूब बड़ी बड़ी सेवाएं कर ली हमने, खूब नगर कीर्तन किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, प्रचार चल रहा है, तो हमने कितनी भक्ति करी है उसका पता हमेशा विपरीत परिस्थितियों में चलता है। जब कलामिटीज आती हैं, जब कष्ट आते हैं, जब सब कुछ हमारे अगेंस्ट में चल रहा है, तब व्यक्ति कितना संतुलित दिमाग से उन सब चीज़ों को सहते हुए भगवान के चरण कमलों में एकाग्र होते हुए अपने भजन में लगा रहता है, ठक 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 धीरे धीरे चलता रहता है। तो वो व्यक्ति पता चलता है कि इस व्यक्ति के अंदर एक डिटर्मिनेशन की क्वालिटी है, और दूसरा वो स्टडी होता है, उसकी जो प्रैक्टिस होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। शुरू में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, पर एक समय के बाद बिल्कुल स्टडीली चलता है। हाँ, उसकी स्पीड स्लो हो सकती है, बट वो स्टडी होता है। इसलिए बोलते हैं स्लो एंड स्टडी विज द रेस। जो लोग धीमे चलते हैं लेकिन फिक्स्ड होकर चलते हैं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो कहानी है खरगोश और कछुए की, बिल्कुल सही, एटलीस्ट आई एम कन्विंस्ड कि उस कहानी में कछुआ ही जीता होगा, खरगोश जीत नहीं सकता। तो भक्ति में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जितना डिटर्मिनेशन होता है, संयम होता है, धैर्य होता है, उत्साह होता है, हर परिस्थिति में अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में रहना हो या नॉन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में रहना हो, भगवान जहाँ जैसा रख दें उनको सहते हुए। जब भक्त सहता है तो रोते हुए नहीं सहता है, वो समझता है जब मुझे सहना है, सहन करना ही है, तो कहना हंसते है सब, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। जैसे बहुत सारे इसमें हम फर्स्ट टाइम देख सकते हैं, हनुमान जी का है, हनुमान जी भगवान राम की सीता की खोज में गए थे, सीता मैया की खोज में गए थे, तो बहुत उनको बाधाएं आई, तरह तरह की बाधाएं आई पर हनुमान जी को, हनुमान जी घबराए नहीं, वो दृढ़ थे कि मुझे सीता मैया को लाके भगवान राम को सौंपना है, मेरा मिशन है, मेरी सेवा है, मैं करूँगा। उसकी जितनी बाधाएं आई वो आप सब जानते हैं, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम। उन्होंने सारी चीज़ें बाधाओं को पार किया, क्यों? डिटर्मिनेशन था उनके अंदर। यह एक छोटी सी कहानी बदक की, काफ़ी बड़ी कहानी, शॉर्ट में बोलेंगे। एक बदक थी, वो समुद्र के किनारे रहती थी, तो उसने कुछ अपने अंडे दे दिए थे पेड़ के नीचे, और अपने काम से चली गई वो अपना दिनचर्या में, अपनी भोजन पाने की व्यवस्था में। वहाँ समुद्र से लहर आई, उसके अंडों को लेके चली गई। अब बदक अब शाम को आई तो बदक ने देखा, अरे मेरे अंडे तो गायब हो गए, बहुत दुखी हो गई, कहाँ गए, सबसे पूछा, अपने फ्रेंड से पूछा, दोस्तों से पूछा, मेरे अंडे कहाँ गए, पता चला कि समुद्र ने ले लिए। अब बदक घबरा गई, क्या करूँ, समंदर तो महान विशाल है, उसकी था का पता नहीं है, कहाँ से अंडे लाऊंगी मैं। बहुत चिंता में आ गई, तनाव में आ गई, टेंशन में आ गई। तो उनके समुदाय में एक और बदक थी जो बहुत वृद्ध थी और दूरदर्शी और समझदार थी। तो उसके पास गई, उसने अपनी व्यथा सुनाई उसे कि ये तकलीफ है मेरे को। तो उसने कहा एक काम करो, समुंदर से जाके प्रार्थना करो, क्योंकि समुंदर लेके गया तुम्हारे अंडे, उससे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, उसे प्रार्थना करो, अगर वो मान जाता है तो मिल सकते हैं, और यही एक रास्ता है। डग गई अपनी आराम से, प्लोवर अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, तो डग गई वहाँ पे, समुंदर को बोला कि मेरे अंडे आप दे दो, एक बार बुला दो, वाला समुंदर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर इस बदक को डिटर्मिनेशन आ गया, सोच ही लिया कि अपने अंडे लेके रहूँगी मैं। इस बदक ने इतनी सी चोंच है उसकी, जरा सी चोंच, उस चोंच से उसने समुंदर को बहुत चुनौती दी कि तुम अगर मेरे अंडे मुझे वापस नहीं करोगे तो मैं तो सारा पानी पी जाऊंगी। और उसने अपनी चोंच से एक एक बूंद पानी निकालना चालू किया, टप टंग
एक एक बच्चा उठ जाती, एक बूंद पानी निकालती और साइड में डालती दूर ले आके। तो जितनी उस समुदाय की चिड़ियाँ थी जो बतके थी, सब उसके हंसी उड़ाने लगे कि क्या पागल बतख है, उसको बुद्धि नहीं है, ये कहाँ समुंदर खाली करेगी। लेकिन ये बतख ने किसी की सुनी नहीं, ये अपने प्रयास में लगी रही। दिन भर ये काम करती थी, एक चोच से एक बूंद पानी निकालना और दूर जाकर डाल देना, फिर एक बूंद पानी निकालना, फिर दूर जाकर डालते रहना। ऐसे करते करते उस वृद्ध बतख को पता चला, तो उसको उस पर दया आ गई, कंपेशन आ गया कि तो बहुत मेहनत कर रही है, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ्स आफ्टर मंथ्स, लगातार करे जा रही है। तो उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई सबने, उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो पक्षी लोग हैं, हमारा राजा है गरुड़देव जो कि भगवान विष्णु का वाहक है, तो हम क्यों ना गरुड़देव को आह्वान करें, उनसे दया की पुकार लगाएं, उनसे याचना करें। तो उन सबने मिलकर गरुड़देव का मंत्र बोला, उनका आह्वान किया और गरुड़देव ने बड़े 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 पंख फैलाते हुए वहाँ पर आए, और उनके बड़े पंख से पूरा उन्होंने आसमान ढक लिया था, क्योंकि भगवान तो शक्तिशाली हैं, वो शक्तिपद हैं, भगवान के महान भक्त हैं, भगवान के वाहन हैं, भगवान के दूत हैं। तो उस गरुड़ ने जब देखा कि छोटी सी बतख क्या कर रही है, तो पता चला कि इस बतख के अंडे समुद्र ने ले लिए हैं और समुद्र दे नहीं रहा है, तो ये बतख डिटरमाइंड है समुद्र के पानी को खाली करने के लिए, उसे अपने अंडे चाहिए। तो हालांकि सब लोग हंसी उड़ा रहे थे, उसके सारे बतख के समुदाय के, उसके आसपास के लोग। देखिए दुनिया में जब भी हम किसी काम के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे, तो सबसे पहले हमारे आसपास के लोग विरोध करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए एक बार एक महात्मा बोल रहे थे कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होना है तो बहरे हो जाओ, किसी कुछ मत सुनो, कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, तारीफ करे, चापलूसी करे, बुराई करे, कुछ मत सुनो, अपना दृढ़ होकर अपने लक्ष्य पर एकदम केंद्रित हो जाओ, फोकस हो जाओ। वैसी बतख करते रहे, तो गरुड़ तो इतने शक्तिशाली भगवान के देव दूत हैं, उनको बड़ा अच्छा लगा, वो बड़े प्रभावित हुए, उनके डिटर्मिनेशन की क्वालिटी से गरुड़ देव बहुत प्रभावित हुए, और उनको उस छोटी सी नन्ही सी बतख पर दया आ गई, और फिर उन्होंने बड़े बड़े पंख फैलाते हुए पूरे पंख और फैला ली, तो पूरा आसमान ढक गया और जंग धड़ा लगाई समुंदर को, उन्होंने चुनौती दी कि है समुंदर, अगर तुमने तुरंत इस बतख के अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा सारा जल पी जाऊंगा। मैं चुनौती दी उसको, तो समुंदर देव ने एक बार में कुछ जवाब नहीं दिया। गरुड़ देव ने 2-3 मिनट वेट किया, बोला आखिरी बार चुनौती देता हूं मैं, अगर तुमने तुरंत अंडे इस बतख को हैंडओवर नहीं करे, इसको दिए नहीं, तो मैं तुम्हें खाली कर दूंगा, तुम्हारा सारा जल पी जाऊंगा। अब की बार समुंदर देव जो थे वो घबरा गए, तुरंत वो आए, गरुड़ देव को प्रणाम किया, उनको स्तुति करी और बतख को लाकर उसके अंडे वापस दे दिए। बतख अंडे मिल गए, बतख अंडे लेके वापस चली गई। अभी देखिए बतख का जो टास्क था, एक नन्नी सी बतख है, जरा सी तो चोंच होती, कितना पानी आएगा उसमें एक बार में एक बूंद पानी, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन था, अपने लक्ष्य के प्रति वो फोकस थी, केंद्रित थी एकदम कि मुझे करना है। तब इसे में जो भी कार्य करना हो, उसे डिटर्मिनेशन चाहिए होता है। जब डिटर्मिनेशन होता है तो भगवान की कृपा मिलती है, भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, उनकी कृपा मिलती है, तो उनकी कृपा से फिर हम भजन में अपने लक्ष्य में सफल हो पाते हैं। इसलिए भक्ति करें तो डिटर्मिनेशन अवश्य रखें। भक्ति करेंगे सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, शरीर तकलीफ भी देगा, हमारे आसपास के लोग परेशान भी कर सकते हैं, कभी कभी बहुत तकलीफें आ सकती हैं, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं है। प्रॉब्लम यह कि जब भक्ति करते तो हम ये सोचते हैं अब सब बढ़िया चलेगा, और यहीं से प्रॉब्लम चालू हो जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ करो सब अच्छा चलेगा, हमारा भक्ति करेंगे तो हमारा जो आर्थिक नुकसान हो रहा है वो क्षतिपूर्ति हो जाएगी, व्यापार में घाटा हो रहा है वो पूरा हो जाएगा, वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। हमारी पारिवारिक समस्याएं सुलझ जाएंगी, लड़की की शादी हो जाएगी, बेटे का लड़की का नौकरी लग जाएगी, वो हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हो, कभी कभी भगवान जिससे विशेष कृपा करते हैं अपोजिट भी हो सकता है, होता है, मेरी लाइफ में तो हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, स्ट्रीम हुआ एकदम, पूरा शरीर खराब हो गया, लोगों ने क्या क्या नहीं निंदा करी, क्रिटिसाइज किया, बहुत कुछ हुआ, या तो भक्ति से बाहर निकालने का प्रयास भी करते हैं कभी कभी, किया गया। और तो जब भक्ति करें तो हमको दोनों चीज़ें, प्रतिकूल और अनुकूल दोनों परिणाम को एस्टिमेट लेके चलना चाहिए कि भक्ति करूँगा भगवान सुख देंगे, दुख भी आ सकता है, तो प्रिपेयर रहना चाहिए कष्ट के लिए, दुख के लिए हमेशा।
की आवश्यकता। तो जब हम प्रिपेयर है हमारा माइंड, तो जब कष्ट आएगा, दुख आएगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि हम तैयार हैं उस स्थिति को झेलने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल, हमने किसी को मोबाइल फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो हम तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने फ़ोन लगाया, उसने उठाया नहीं, मेरी वैल्यू नहीं, उसको मेरी इज्जत नहीं करता है, हमने मैसेज भेजा उसका जवाब नहीं आया, तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं फ़ोन लगाऊंगा तो वो फ़ोन उठाएगा ही, मैं मैसेज भेजूंगा तो वो जवाब देगा ही, इसलिए हम डिस्टर्ब होते हैं। अब मैं डिस्टर्ब कर रहे हैं कि मैं फ़ोन कर रहा हूं क्योंकि मेरी सेवा है, जरूरी नहीं कि वो उठाए, वो कृष्णा पर निर्भर है, चाहे तो उठाएगा चाहे तो नहीं उठाएगा। मैसेज मैंने भेजा है, जवाब देगा या नहीं देगा उसके ऊपर है वो। हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं हमारी तारीफ़ को, वहीं प्रॉब्लम आती है। कुकिंग करेंगे, हम चाहते हैं हमारी तारीफ़ हो, लोग प्रशंसा करें, ज़रूरी नहीं है करें, निंदा के लिए भी तैयार रहो कि निंदा भी हो सकती है। हम सफ़र पे कहीं जा रहे हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, हम सब अच्छा अच्छा सोच के चलते हैं, अच्छे होटल में रहेंगे, बढ़िया व्यवस्था होगी, प्रसाद अच्छा मिलेगा, सारी यात्रा अच्छी रहेगी, खूब कीर्तन करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, आनंद आएगा, हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। उसका अपोजिट भी एंटिसिपेट करके चलना चाहिए। हो सकता है कमरे से बाहर निकल दिया जाए, हमको कमरा नहीं मिले जो हमने होटल बुक किया है, जहाँ ठहरने का व्यवस्था ठीक नहीं हो, प्रसादम अच्छा नहीं मिले, या लोगों से हमारी जमे नहीं। तो पॉइंट कहना का ये है कि हमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष को साथ में लेके चलना चाहिए, और डिटर्मिनेशन अगर है साथ में फिर क्या कहना है, फिर हम लोग को जल्दी डिस्टर्बेंस नहीं आता, फिर भक्ति करेंगे भी, भक्ति में कुछ बाधाएं भी आ रही हैं, चीज़ें हमारे अनुसार हो भी नहीं रही हैं, तो बजाय डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, क्योंकि तो डिटर्मिनेशन है और दूसरा हम प्रिपेयर हैं। इस तरीके से हम जो है, हमको भक्ति जब करें तो हमको डिटर्मिनेशन की क्वालिटी डेवलप करना चाहिए। एक और उदाहरण लेते हैं भूपाल जी, राजा प्रताप रुद्र का, चेतन महाप्रभु थे, उन्होंने राजा प्रताप रुद्र से मिलने से मना कर दिया था। महाप्रभु बोले कि वो राजा हैं, बहुत धनी व्यक्ति हैं, विलासी व्यक्ति हैं, मैं सन्यासी हूँ, मैं से लोगों से नहीं मिल सकता, उनका संग नहीं कर सकता। लेकिन राजा प्रताप रुद्र दृढ़ प्रतिज्ञ थे, मुझे भगवान की कृपा लेनी ही है, डिटर्मिनेशन था, उन्होंने हर वो चीज़ करी, उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर दिया, उन्होंने आखिरी में उन्हें कृपा मिली, चेतन महाप्रभु ने बहुत कृपा दी। विदुर महाराज थे, विदुर महाराज दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि मैं धृतराष्ट्र को मुक्ति दिलवाऊंगा ही दिलवाऊंगा, और दिलवा दिया अंत में उन्होंने, आखिर में जब दोबारा गए वो युधिष्ठिर महाराज के पैलेस में। तो विदुर महाराज ने लाइफ में केवल एक काउंसलिंग किया और उसको भी लिबरेशन करवा के ही छोड़ा, इसको बोलते काउंसलर, इतना डिटर्मिनेशन था उनके अंदर, दृढ़ प्रतिज्ञ थे वो। नित्यानंद प्रभु थे, जगाई मधाई को दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि इनको भगवान गौरंगा की महामर्सी दिलवाना ही है, उसके लिए गाली खाई इन्होंने, बदनामी सही, उनका मजाक उड़ाया गया, भगवान है साक्षात बलराम जी है, नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, यहाँ तक कि उनको मारा गया, पीटा गया, तो भी नित्यानंद प्रभु ये बोले कि तुमने जो मुझे मारा है, मैं जगाई, मुझे उसका तकलीफ उतनी नहीं है, उससे यार तकलीफ मुझे इस बात से हो रही है कि तुम मोनू गौरांग महाप्रभु का नाम नहीं ले रहे हो। दिस वाज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ नित्यानंद प्रभु। तो भक्ति यदि करेंगे, डिटर्मिनेशन अत्यधिक आवश्यक है। फिर भक्ति हम कोई भी क्रिया करें, शास्त्र पढ़ें, प्रचार कार्य में जाएँ, कुकिंग करें, ड्यूटी वर्शिप करें, लोगों से मिलें, उनको भगवान के बारे में बताएं, हर चीज़ के लिए डिटर्मिनेशन होना अति आवश्यक है, तभी भजन में सफलता मिलेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।